हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुड़ो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फुटर सेक्शन कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर जरूर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सब एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको जरूर जरूर हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि आपको अगर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब चाहिए तो आप कौन कौन सी वेबसाइट पर प्रिफर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से फ्रेंड अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो फ्रेंड आपको स्टार्टिंग से देखना है, तभी आपको आइडिया आएगा कि कोडिंग कैसे करना है, वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक एपिसोड आपको वन बाय वन देखना है और फ्रेंड उसकी प्रैक्टिस जरूर जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन कर पाओ। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था नेविगेशन बार डिजाइन करना, फिर इंट्रोडक्शन, फिर सर्विस, फिर स्किल, फिर आपका पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे सेक्शन आपको डिजाइन करने हैं, तो फ्रेंड आपको पहले मेरे पिछले एपिसोड सभी के सभी देखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से फुटर सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका वेबसाइट का जो लास्ट वाला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फुटर। ठीक है फ्रेंड्स, फुटर मतलब नीचे वाला पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फुटर के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग आपका जो भी जीमेल आईडी होगा वो आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपके जो भी सोशल नेटवर्किंग के जो भी अकाउंट्स होंगे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसकी यहाँ पे आपको लिंक डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आपके साथ कॉन्टेक्ट करना है, उसको आपके साथ वेबसाइट बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? सिंपल है फ्रेंड, वो आपको एक तो आपको जीमेल से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अगर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वो आपको वहाँ पे भी मैसेज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेक्शन बहुत ही काम का है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से यहाँ पे नीचे हम लोग लिख सकते हैं लाइक ऐसे कॉपीराइट 2020 ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज टेम्पलेट इज मेड विथ लव बाय सुड़ो पावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप लाइन लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं फुटर सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खाली मैंने आपको एक डेमो दिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और आइडिया होगा तो उस हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरीके से आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हाउ टू मैड एट्रैक्टिव फुटर डिज़ाइन फॉर माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरीके से आप बनाने का ट्राई करो। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग इस एपिसोड के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग फुटर सेक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, आपका फोल्डर ओपन कर लो, आपका एचटीएमएल पेज ओपन कर लो, आपकी स्टाइल शीट ओपन कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड हम लोगों ने लास्ट के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारा नेविगेशन बार डिज़ाइन करना, फिर इंट्रोडक्शन, फिर हमारे सर्विसेज, फिर स्किल, उसके बाद पोर्टफोलियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं हमारे वेब पेज का फुटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप फुटर जो टैग है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फुटर ऐसा यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, तो एचटीएमएल फाइव की जो फैसिलिटी है जिसके अंदर हम लोग सेक्शन, फुटर और हेडर इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक टैग आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एचटीएमएल का जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो फॉलो करो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो कोडिंग है कोई और देखेगा तो वो आपको से इम्प्रेस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडर पार्ट होता है तो हेडर में लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सेक्शन हम लोगों ने बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से अभी फुटर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने जो सेक्शन लिखा है, हेडर लिखा है, वहाँ पे आप ड्यू भी लिख सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, हेडर की जगह सेक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी कोड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं फुटर सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को फुटर के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए वो आपको सबसे पहले इसके अंदर डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड ईमेल आईडी ऐसा रखो कि आपका जो नाम है वो रिप्रेजेंट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आपका जो भी नाम होगा उसके हिसाब से अच्छे से ईमेल आईडी आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग फेसबुक या कुछ भी यूज़र नेम रखते हैं, ठीक है फ्रेंड, वैसे यूज़र नेम का जीमेल आईडी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा जीमेल बनाओ जिसमें आपका नाम हो, सरनेम हो, ठीक है फ्रेंड्स, मिडल नेम हो तो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे क्या होगा, तो एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है, जिससे जो एटलीस्ट जो भी आपको जॉब पर रखने वाला होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ईमेल आईडी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए आपको एकदम प्रोफेशनल ईमेल आईडी ही यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे कुछ भी एरे गेरे नाम बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आएगा आप सबसे पहले ईमेल आईडी। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले आप आपको फिर से आपका आपका नाम लिखना होगा,
तो आप नाम भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या डालने वाले हैं, तो एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एड्रेस डालो। अगर आपको एड्रेस नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपके जो एडवर्टाइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एड्रेस रखोगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को देखने में मतलब पता चलेगा कि ये कहाँ से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जॉब पे रखना है नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हायर करना है नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल आप एड्रेस रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एड्रेस आपको रखना है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट से जो भी मैंने एड्रेस लिखा है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये हो गया हमारा एड्रेस पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे इसको मुझे न्यू लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BR। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी का टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सोशल नेटवर्किंग सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी लिंक होगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी है आपकी वेबसाइट ओपन करेगा उसको आपको कॉन्टेक्ट करना होगा, तो वो इस लिंक के थ्रू भी आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो ये सोशल नेटवर्किंग भी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिलहाल पी के अंदर मैंने यहाँ पे लिए हुए सभी के सभी आइकॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आइकॉन फिर से आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फॉन्ट ऑसम वेबसाइट ओपन करो, उसके अंदर सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, तो आइकॉन्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आइकॉन के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे फेसबुक। ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक पूरा लिखो। तो फेसबुक जैसे लिखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप आइकॉन आएगी, यहाँ पे राउंड वाला है, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर वाला भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आपके दिमाग में जैसे डिज़ाइन होगी उस हिसाब से आप आइकॉन चूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे चूज़ करो तो वो अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी वेबसाइट इन शॉर्ट अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर आप क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे रख दो। ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक हो गया। उसी तरीके से अभी मैं सर्च करता हूँ ट्विटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्विटर के लिए भी आ गया, तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। उसी तरीके से नेक्स्ट है इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे सर्च करो इंस्टाग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको यूज़ करना है फॉन्ट ऑसम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाता है, आपको कॉपी करो पेस्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे आइकॉन। उसके बाद फ्रेंड क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपका लास्ट सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपीराइट, फिर कॉपीराइट का सिम्बॉल, फिर जो करंट ईयर होगा वो ऑल राइट रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डिज़ाइन है आपने बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप लाइन लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके उसी तरीके से आपको फिर से आपकी एडवर्टाइज करना होगा, तो आप ये एक्स्ट्रा लाइन लिख सकते हो, दिस टेम्पलेट इज़ मेड बाय विथ लव बाय सुडो पावर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फ़िलहाल इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पी के अंदर मैं फिर से पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं अभी क्या करता हूँ, इन सबको वन बाय वन क्लास अप्लाई कर देता हूँ। तो ये है हमारा जीमेल, उसके बाद ये है हमारा एड्रेस, तो मैं इसको क्लास का नाम दे देता हूँ एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो है हमारे सोशल नेटवर्क्स, तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ सोशल। उसके बाद ये जो है हमारा लास्ट वाला जो कॉपीराइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कॉपीराइट और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं उसका नाम स्मॉल केस में रखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे कंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो इसको रन करके देखते हैं तो कैसे हम लोग को आउटपुट दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर जाते हैं और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी कंटेंट दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने उसके अंदर कुछ भी CSS अप्लाई नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग ये जो टेक्स्ट है उसको हम लोग सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी बैकग्राउंड आपको किस पे अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, फुटर पे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे बैकग्राउंड अप्लाई करोगे तो इन सब पे इफ़ेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जाना है आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर और यहाँ पे स्टार्ट कर दो फिर फुटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो फुटर है वो पूरा टैग ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ID हैश और डॉट लगाने की आपको ज़रूर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग फुटर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं फुटर के अंदर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो मुझे चाहिए फ़िलहाल ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा ब्लैक।
उसके बाद मुझे चाहिए उसके अंदर पैडिंग टॉप, मैं रख देता हूँ फ़िलहाल 5%। उसके बाद पैडिंग बॉटम, उसमें भी मैं रख देता हूँ फ़िलहाल 5%। उसी के साथ अभी जो अंदर के जो सारे टेक्स्ट है वो मैं फ़िलहाल कर देता हूँ उसका कलर वाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो जो भी उसके अंदर जितने भी टैग है वो क्या आने चाहिए सेंटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी खाली डिज़ाइन है, मुझे सेंटर में रखना है इसलिए मैं सेंटर में रख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको, मैं जैसे बोलता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ दूसरा आइडिया होगा तो वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा फुटर सेक्शन अभी दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा पोर्टफोलियो है वहाँ पर थोड़ी हम लोग को जगह चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूँ, तो जो माई पोर्टफोलियो था उसके अंदर हम लोग दे देते हैं मार्जिन बॉटम। एक्चुअली फ्रेंड मार्जिन रखते हैं हम लोग, रखते हैं पैडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो माय पोर्टफोलियो फ़िलहाल तो सेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करके उसके अंदर मैं रख देता हूँ पैडिंग, और मुझे चाहिए स्पेस नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैडिंग बॉटम उसके अंदर 5% लिख देता हूँ। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सोचोगे कि मैंने पैडिंग की यूज़ किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैडिंग इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे कंटेनर के अंदर मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसके अंदर मैं अगर मार्जिन दे देता तो क्या होता, ये जो ग्रे पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके और ये जो ब्लैक है इसके बीच में डिफरेंस आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बैकग्राउंड है वो हम लोग को दिखता, इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया है इसके अंदर पैडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे अंदर की जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप मार्जिन अप्लाई करके देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइन करते हैं हमारा फुटर सेक्शन। तो फ्रेंड अभी मुझे ये जो जीमेल है और जो एड्रेस है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बीच में सब जगह मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, तो मार्जिन टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सिंपल फुटर के अंदर हम लोग जाते हैं और सबसे पहले तो क्या है, फुटर के अंदर हमारा जीमेल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीमेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल यहाँ पे तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, तो एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एड्रेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी किया मैंने क्लास और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फ्रेंड इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन टॉप और मैं लिख देता हूँ 3%। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जगह आ गया। उसी तरीके से ये आइकॉन के बीच में भी जगह चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए फिर से फुटर के अंदर हम लोगों ने क्या रखा हुआ है क्लास का नाम, तो सोशल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दो। फिर से यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस ज़्यादा रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से फुटर के अंदर क्या है, तो कॉपी राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर भी थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास है इसलिए डॉट लगाना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से लिखो मार्जिन टॉप और मैं यहाँ पे थोड़ा 6% से ज़्यादा रखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो थोड़ा कॉपीराइट, थोड़ा अलग सेक्शन दिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो ये जो आइकॉन है इसके बीच में मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, सोशल के अंदर जाओ और यहाँ पे लिखो वर्ड स्पेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फिलहाल 40 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वर्ड स्पेस क्या करेगा, तो जो भी हमारे वर्ड होंगे उसके बीच में स्पेस रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी फ़िलहाल ये जो वर्ड स्पेस है इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ एड्रेस पे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो ये पूरा जो वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बीच में यहाँ पे आप स्पेसिंग देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही सिंपल किसी पे आप आइकॉन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइकॉन भी क्या है, तो सिंपल वो टेक्स्ट ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए वर्ड स्पेसिंग आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूर दूर हो गया। उसी तरीके से अभी आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इस पर आप कलर देना चाहते हो तो कलर आप दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने शायद कलर के क्लासेस बना के रखे थे, रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो फेसबुक का कलर है वही अप्लाई करना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो है, जो मेरे पास ऑलरेडी क्लास है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं रख देता हूँ इंस्टाग्राम को रेड, उसके बाद है येल्लो, तो जो ट्विटर है उसको मैं रख देता हूँ येल्लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये कलर अप्लाई नहीं करना है, मैं एक्चुअली टाइम बचाने के लिए जो एग्जिस्टिंग क्लासेस है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल आपको जो भी जितने भी कलर अप्लाई करने हैं उसे क्लासेस बनाओ और यहाँ पे आपको
अप्लाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अभी कलर दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फुटर सेक्शन डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो फुटर सेक्शन है उसके अंदर ये वाला सेक्शन थोड़ा अलग है और ये कॉपीराइट वाला सेक्शन अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ अलग डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने सब एक में ही रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लास्ट वाला सेक्शन है उसको अलग रखना हो तो मैं उसको मैंने क्या किया है एक्चुअली फुटर के बाहर रख दिया है, तो वो उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अभी देख सकते हो यहाँ पे नीचे वो सेक्शन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या करता हूँ तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, उसके क्लासेस और उसके सीएसएस। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कि फुटर के अंदर से मैंने निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सेपरेट क्लासे है तो कॉपीराइट को मैं अभी रखता हूँ सेपरेट और मैंने फुटर उसका निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्जिन टॉप की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर मैं रख देता हूँ पैडिंग और पैडिंग के अंदर मैं रख देता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद जो हम लोग को टेक्स्ट चाहिए वो चाहिए सेंटर में, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से उसका जो कलर है वो मुझे चाहिए वाइट। उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग को चाहिए थोड़ा लाइट ग्रे, तो मैं फ़िलहाल 333 लिखता हूँ, तो इस तरीके से कलर थोड़ा ग्रे टाइप आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कि थोड़े सी सीएसएस की मदद से आप आपका वेब पेज काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड इसके अंदर एक चीज़ रह गया है जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो आइकॉन है आपको उसको रखना है एंकर टैग के अंदर। ठीक है फ्रेंड, याद रखना आपको किसके अंदर रखना है उसको एंकर टैग के अंदर, और आपको यहाँ पे लिंक दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपका फेसबुक का प्रोफाइल का जो भी यूआरएल होगा उसको आपको इसके अंदर लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो कोई क्लिक करेगा तो रिडायरेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से फेसबुक के लिए रखा है उसी तरीके से आपको क्या करना है, तो आपका जो ट्विटर अकाउंट होगा उसके लिए, उसी के साथ आपका इंस्टाग्राम होगा उसके लिए भी आपको सब जगह एंकर टैग रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको आपकी जो प्रोफाइल की लिंक है वो प्रोफाइल की लिंक डालना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज तो फिर वो डायरेक्ट फेसबुक और ट्विटर ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो आपकी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसको आपको देखना है ना कि डायरेक्ट फेसबुक और दूसरे कोई प्रोफाइल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी प्रोफाइल का यहाँ पे सिंपल आपको एड्रेस एंकर टैग के अंदर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा वो मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो जो पर्टिकुलर लिंक हम लोगों ने डाला होगा वहाँ पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको आपका फुटर पेज डिज़ाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप सीएसएस और एचटीएमएल का यूज़ करके आप काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड फिलहाल अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और फ्रेंड ये अगर वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा कुछ सीखने के लिए तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आपको आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ज़रूर ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।